हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुनील कुमार व्लॉग में वापसी आ गया है और गांव में बैठा है। गांव विलेज में सक्कर साइट एक गांव है जिसका नाम है फाराड़ो। फाराड़ो में जहां हम पैदा हुए, जहां हमारा पूरा खानदान रहा करता था, जहां पर 1000 लोगों का घर हुआ करता था, तो यहाँ पर अभी चंद घर बचे हैं। मतलब कि 8 घर बचे हैं, सारे चले गए हैं, कई शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर ना फैसिलिटी होने की वजह से लोग चले गए। कुछ भी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। पहले तो गैस भी नहीं हुआ करती थी, कुछ साल पहले गैस आई है। रोड बिल्कुल ख़राब और डॉक्टर की ना होने की बावजूद यहाँ पर लोग चले गए। तो आपको मैं फाराड़ो शहर दिखाऊंगा कि आखिर ये सुल्तान घाट क्यों बन चुका। यहाँ पर लोग कम और जानवर ज़्यादा रहते हैं गाइस। तो आपको मैं दिखाता हूँ फाराड़ो शहर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना आपको घर दिखाऊंगा, विलेज में हमारा घर कैसा है, कैसे हम रहा करते थे। और ये जो घर, काफ़ी घर टूट चुके हैं, पड़ोसियों के गिर चुके हैं, तो आपको मैं वो भी दिखाऊँगा। चलो आगे आके मैं दिखाता हूँ आपको घर अपना गाइस। ये हमारा घर है विलेज में, आप देख सकते हैं ये हमारा घर है। बड़े बड़े मैदान, अगर ये कराची में हमारी इतनी प्रॉपर्टी होती, इतना बड़ा घर होता ना, तो करोड़ों रुपए मिलते हमें, करोड़ों। बस क्या करें यार, ये हमारा, ये देखो घर है, कितने कितने बड़े बड़े रूम है। ये देखो कितने बड़े रूम है, फ्रिज कोको कोला की पड़ी है, देख लो भाई। और ये देखो, ये सारे घर आप देख सकते हैं कि ये सारे घर खाली है, खाली पड़े। यहाँ पर कोई भी अभी नहीं रहता, ये घर गिर चुके हैं, टूट चुके हैं। आप देख सकते हैं ये घर, देख सकते हैं ये टूट चुके हैं। और ये देख सकते हैं कि मच्छर, बहुत मच्छर होते गांव में, इसीलिए हमने ये धुई दुखाई है। और ये हमारे चाचू का घर था पहले, तो अभी ये भी खाली है। ये देख सकते हैं कि ये सन्नाटा छाया हुआ है, घर बंद है। और ये सारे घर बंद है अभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले रौनक हुआ। ये हमारी, आप देख सकते हैं कि ये छत है हमारी, ये हमारी छत है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं पूरा दिखाऊंगा हमारा विलेज कैसा दिखता है। ये देखो गाइस, घर की छत पर हूँ और आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा, ये विलेज पूरा आपको व्यू दिखेगा और बहुत सारे घर दिखेंगे। यहाँ पर कोई घर नहीं बचा, मतलब चले गए हैं सारे। ये फाराड़ो सुल्तान घाट बन चुका है, पूरा सुल्तान घाट बन चुका है। यहाँ पर सन्नाटा ही सन्नाटा है और कुछ भी नहीं, चंद लोग बचे हैं बस, चंद घर भी बचे हैं। और यही दुआएं करते हैं हम यहाँ से निकले, और कब हमारा नसीब होगा यहाँ से, हमारा निकलने का कब नसीब होगा, कब हमारी दुआएं कबूल होंगी, कब हम फाराड़ो को छोड़कर चले जाएंगे। बस कुछ चंद घर बचे हैं, वो भी कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, जहाँ पर कुछ अच्छी, कुछ फैसिलिटीज़ हैं। मिडिल क्लास तो चले जाएंगे, कहीं अच्छी फैसिलिटी हैं, कहीं कुछ गांव, कुछ सिटीज़, कुछ गांव हैं अच्छे, बेटर है, वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रोड इतना ख़राब है, कोई भी पेशेंट, मतलब कोई भी पेशेंट होता है ना, यहाँ पर रास्ता इतना ख़राब है, वहीं पर ही दम निकल जाता है। इमरजेंसी में लोग जहाँ से जाते हैं, वहीं पर बंदा मर जाता है यार, क्या बताऊँ। सक्कर तक पहुँचने से पहले ही बंदा अलविदा हो जाता है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ के हुक्मरानों ने सिर्फ पैसा लूटा है, अपने पास रखा है, कुछ भी नहीं फैसिलिटी की, कुछ भी। अगर यहाँ के हुक्मरान कुछ करते तो लोग नहीं जाते। अगर अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती तो लोग कभी भी नहीं यहाँ से जाते। इतने बड़े बड़े बंगले मैंने आपको दिखाए कि ये लोगों ने बनाए हुए हैं, तो आखिर क्यों छोड़ के जाते? अपना वतन, अपना देश, जहाँ पर अपने पैदा हुए, आखिर वो क्यों छोड़ के जाते? कभी नहीं छोड़ के जाते, क्योंकि इसलिए मजबूर में ये लोग चले गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ रहा ही नहीं, यहाँ पर कोई फैसिलिटी ही नहीं है, यहाँ पर कोई भविष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है बच्चों का, इसीलिए लोग चले गए यार। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि बस कुछ गरीब लोग जहाँ पर बचे हैं, चंद घर बचे, वो भी शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। बस इरादा है इन लोगों का, वो भी चले जाएंगे 2-3 मंथ में। और जिनका बिजनेस है यहाँ पर, मैंने जो बताया पहले भी, जिनका बिजनेस है यहाँ पर, वो लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस है। सिटी में इतना
न्यू बिजनेस करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, बहुत अच्छा खासा बिजनेस है जिसका, तो वो यहीं रहेंगे, घर अपने कहीं और सिटी में शिफ्ट किए हुए हैं, और वहाँ घूमने फिरके फिरके फिर यहाँ रह लेते हैं, बस सुकून से जिंदगी जीते हैं। ये लाइफ ने बताई है, कखरे आप देख सकते हैं, इतनी कखरे यार यहाँ पे, फिर जानवर ही रहे, मक्खी मधुमक्खी सब रार सारे रहे, मेरे को बहुत डर लगता है। आपको मैं गलियाँ दिखाता हूँ, विलेज की गलियाँ कैसी होती है। विलेज की गलियाँ आप देख सकते हैं कि कुत्ते घूम रहे हैं, यहाँ पर आपको लोग कम दिखेंगे, जानवर ज़्यादा दिखेंगे, कुत्ते गधे ज़्यादा दिखेंगे। ये देखो, ये हमारे पड़ोसियों का घर हैं, ये सारे चले गए हैं, और एक घर बस बचा है, वो भी मतलब यहाँ पर जो जिस जिस का बिजनेस है यहाँ पर, मतलब जिस जिसका बिजनेस है ना यहाँ पर लोगों का, वो बंदे यहाँ पर हैं, और लेडीज़ मतलब कहीं और शिफ्ट है, यहाँ पर बॉयज़ यहाँ पर शिफ्ट हैं, मैन यहाँ पर शिफ्ट हैं, और जिसका बिजनेस मैन का यहाँ पर है तो यहाँ पर शिफ्ट हैं, और लेडीज़ यहाँ पर चली गई हैं। गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फारड़ो विलेज डिज़र्ट एरिया, आप देख सकते हैं कि ये डिज़र्ट एरिया। ये आप देख सकते हैं कि ये गरीबों के घर हैं, कितने प्यारे घर, और ये देख सकते हैं कि मच्छर है, ये हमारा गार्ड है, और ये आप देख सकते हैं, ये आप क्या करके आए हैं, आप क्या करके आए, ये गा अब चराओगे मतलब कि पट्टे क्या करोगे, इसको किसको खिलाओगे, बकरी को खिलाएंगे, बकरी को खिलाएंगे चराएंगे, और आप बकरी के साथ और क्या किस किस को चराते हो, बकरी को गा चलाते हो, और क्या क्या है आपके पास, खाते हो अनाज, खिलाते हो, खाते हैं अच्छा। और ये आप फारड़ के शहर इस गांव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, गांव के बारे में ये चाहेंगे जो फारड़ में सुन हो गई के सुनी हो गई, सन्नाटा छा गया, सन्नाटा, लोग क्यों आखिर ये चले गएंगे छोड़कर, हिंदू लोग क्यों चले गए, इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, सिंधी में, मैं सिंधी में बात करना चाहूंगा, चाचे को उर्दू समझ कर मारे, आखिर ही छो छे वे आई अमीर अमीर माड़ू बड़े अमीर छे के पारा तो अची हो, पारा तो अची वे माना हुक्मरान छो भला हुक्मरान कुछ न कयो ना, माना जिम न कयो, सोलिया तू न यूं ना, न रोड दिनो, न पानी दिनो, न स्कूल दिनो, न अस्पताल दिनो, काशे न दिनो, तने करे मानू लड़े वाली, मानू लड़े या बर्बादी, इसलिए ये चाचा बोल रहा है कि कुछ भी फैसिलिटी ना होने की वजह से ये, इसलिए बड़े बड़े लोग चले गए, अभी गरीब लोग कहाँ जाएं, अब गरीब मानू किधर वजन, गरीब मानू काड़े वजन, गरीब मानू पोरियो करदा खाइन भाई काड़े वजन, नजारा काड़े टपड़ खणदा भूख मरंदा न, उनके जुगो न को पैसो न पाई काड़े निकरन, अच्छा देखो चार पैसा कमाए न पेट खाए न काड़े निकरन, अच्छा ये चाचा बोल रहा है कि ये गरीब लोग आखिर कहाँ जाएं, आखिर यही गुजारा यहीं करते हैं, कुछ चंद पैसे कमाएगा रोजगार करके, जैसे आप बकरी को चराते हैं, ये कुछ चंद पैसे कमा के यहीं बस रोजगार करते हैं, और बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, गरीबों का कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, ना पानी ना गैस ना रोड कुछ भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ के हुक्मरानों ने सिर्फ लूटा है, लूटा अपने पास, कुछ भी गवर्नमेंट ने नहीं किया है भाई। आप ये खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं कि ये डिजर्ट एरिया, इसको दुबई कहते हैं, गाँव के लोग इसको क्या बोलते हैं, दुबई, दुबई फाराड़ो के ये गॉड्स, कितनी प्यारी गॉड्स है, कि ये छोटी बच्ची कैसे पानी भर रही है, कितनी प्यारी बच्ची है, कितना अच्छा नज़ारा है, ये यहाँ पर ये सारे गरीब लोग बैठते हैं, सब मच्छर आए, और मेरा चाचा जो दूध लेने जाता है रोज फारड़ो में, ये ठिकाना है, ये दूध का ठिकाना आप देख सकते हैं, ये चाचा, चाचा सलाम, ये चाचा है मेरा चाचा, ये देखो कितनी मैं, सिंधी में मैं कहते हम, उर्दू में क्या कहते, मैं बो है, बो कितना सारा बो है, ये मशीन है बो वाली, ये गाड़ा है, गाड़ा गद्दा नहीं है गाइस, ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितनी भटारियाँ हैं, ये देख सकते हैं, ये मच्छर है पूरा इलाका, ते गाइस ये क्या कर रहा है, ये गाय का उर्दू में क्या इसको बोलते हैं, हाँ छेड़े, हम सिंधी में छेड़े बोलते हैं इसका, इसकी दीवार बनाते हैं छेड़े की,
देख सकते हैं कि आप ये नलका है, ये देखो गवर्नमेंट ने नलका लगाया है, ये खराब हो गया है। ये खराब को मैं गलियां दिखाता हूँ, विलेज की गलियां कैसी होती है। विलेज की गलियां आप देख सकते हैं कि ये कुत्ते घूम रहे हैं। यहाँ पर आपको लोग कम दिखेंगे, जानवर ज्यादा दिखेंगे, कुत्ते गधे ज्यादा दिखेंगे। ये देखो, ये हमारे पड़ोसियों का घर है, ये सारे चले गए हैं और एक घर बस बचा है, वो भी मतलब यहाँ पर जो जिस जिस का बिजनेस है यहाँ पर, मतलब जिस जिस का बिजनेस है ना यहाँ पर लोगों का, वो बंदे यहाँ पर हैं और लेडीज मतलब कहीं और शिफ्ट है। यहाँ पर बॉयज़ यहाँ पर शिफ्ट हैं, मैन यहाँ पर शिफ्ट हैं, और जिसका बिजनेस मैन का यहाँ पर है तो यहाँ पर शिफ्ट हैं, और लेडीज यहाँ पर चली गई हैं। कि यहाँ पर गधे ही बचे हैं, वाह कुत्ते गधे बचे। गाइस मैं मंदिर में आ गया हूँ, शिरडी वाले साईं का, साईं बाबा का मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा। ये है समाधि साईं बाबा की और ये है मंदिर। ये शिरडी वाले सिद्धार्थ दूर साईं बाबा का मंदिर है, और हिंदू तो काफ़ी चले गए तो यहाँ पे जो जगाने के लिए कोई भी आ जाता है जिसका नसीब होता है। देख सकते हैं सन्नाटा छाया हुआ है, 2 बजे एक शो पे साइड मैं आपको दिखाऊंगा। आया देख सकते हैं कि ये राजा का शो एक बचा है, फारड़ों में सिर्फ एक शो बचा है, यहाँ हिंदू कम्युनिटी कोई रही नहीं है, बस मुस्लिम लोग आते हैं। ये एक किराने का शो पे और ये अट्टी बच्चियाँ हैं आप देख सकते हैं, इनका नाम है वडेरी। आपका नाम क्या है? नालो छाए तुंजो हाँ कश्मीर, इसका साहबजादी नाम इतने प्यारे रखे वडेरी, किसका साहबजादी, ये कश्मीरी, वाह 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 वाह, क्या कहें इनके नाम की तारीफ। कितनी प्यारी बच्चियां हैं यार, देख सकते हैं कि गांव की ये बच्चियां हैं। स्कूल में जाती हो, पढ़ती हो मां के नाम, स्कूल भी स्कूल मिंदी आयो, स्कूल मिंदी आयो हाँ, छो न थी पढ़ो कौन न पढ़ाई सुठी कान ना, इतने मिसियूं पढ़ाई दी मिसियूं पढ़ाई नहीं वन इतने सुठो पढ़ाई नहीं वन, सुठो पढ़ाई नहीं वन कितने सुठो पढ़ाई नहीं वन अल्लाह पंप को पढ़ाई, मना ये कह रही है कि सिर्फ अल्लाह पंप पढ़ाई दी वन और कुछ भी नहीं। यहाँ के जो मास्टर है ना वो भी इतने अच्छे नहीं है, ऐसे अंगूठा छाप करके बस ऐसे, इनको पता नहीं कैसे सरकारी नौकरियाँ मिल गई हैं। बस यार क्या कहें, हर किसी का अपना अपना नसीब है, पाकिस्तान है सब कुछ चलता है। लेट्स बी, देखो ये बच्चियाँ कितनी प्यारी हैं, नाच के दिखा। हाँ जी गाइस, आई होप आप लोगों को गांव का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार।